भाजपा से नारेंद्र प्रजापति हैं इस बार, आप दूसरी बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्या आप बेहतर करेंगे, कैसे करेंगे? नारेंद्र प्रजापति ने तो दावा कर दिया है कि जीत हमारी हो रही है। मनगवा से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, मैडम आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रही हैं? सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि जो किसान का सबसे अहम मुद्दा है, किसान बेचारा खेती करता है लेकिन वो अपने घर में नहीं ले जाता, सारा पशु खा लेते हैं, तो पहला मुद्दा किसान का होगा। हमारी सरकार बनेगी तो गौशाला बनाएगी। कमलनाथ जी ही सबसे बड़े हितैषी गौ माता के हैं क्योंकि उन्होंने 15 महीने की सरकार में किया है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि हमारे मनगांव विधानसभा में स्कूलें नहीं हैं, रोड नहीं हैं, ना ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। ये सब हमारे अहम मुद्दे होंगे, इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी अभी लाडली बहना के नाम से बहनों को राखी का गिफ्ट, 250 रुपये का राखी का गिफ्ट देखे और वो बहनों की ये सोच रहे हैं कि बहनों के माध्यम से हम फिर से सरकार में काबिज हो जाएंगे। लेकिन ये हम लोग फील्ड में रहते हैं, वहाँ जब जाओ तो बहनें खुद कहती हैं, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि बहनों को क्या 250 रुपये में बहन खुश हो जाएंगी? 18 साल आपने कुछ नहीं दिया, जब चुनाव आया तो आप 1000 रुपये दे रहे हैं और महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि 1000 रुपये आप दे रहे हैं और उसमें टमाटर 300 रुपये किलो, यहाँ तक कि जीरा गरीब आदमी है तो जीरा का छौंका लगा के सब्जी बना लेता है हल्दी नमक डाल के, तो जीरा 800 रुपये। महंगाई के मुद्दों को लेके हम सब लोग फील्ड में जाएंगे। और कमलनाथ जी ने भी तो 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। कमलनाथ जी ने कहा और वो नकल कर लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन कमलनाथ जी को जो कहते हैं वो करते हैं। वो 1500 रुपये जैसे वो शपथ लेंगे तो 1500 रुपये हर महिला के खाते में जाएगा, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर एक घर में 5 महिला है तो 5ों महिला को जाएगा, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, 500 रुपये सिलेंडर के लिए जाएगा। भाजपा से नारेंद्र प्रजापति हैं इस बार, आप दूसरी बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? हम लोग ये सारे मुद्दों को लेके हैं, फील्ड में हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा का अलग है, कांग्रेस पार्टी का अलग है। कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, हम सारे लोग एक हैं। हम सारे लोग, मैं कैंडिडेट हूँ, बहन विद्या जी हैं, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, आप सत्यनारायण जी हैं, आप सचिव रह चुके हैं, मृगेंद्र भैया हैं, हम सब लोग साथ में हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कर्ता, पोलिंग बूथ का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए है। परिवर्तन की लहर है, जनता कहती है कि हमको परिवर्तन चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, कमलनाथ चाहिए। परिवर्तन की लहर है, लेकिन मैं जब ग्राउंड में था वहाँ पे देखा कि वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाली, पानी, बहुत लोगों ने शिकायत की है। आप उसके लिए क्या अलग से करेंगे, क्या बेहतर करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपका विजन क्या है? मनगवा की सम्मानित जनता अगर मुझे मौका देती है सेवा करने के लिए तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने में बेचारे मजदूरी करने जा रहे हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ उद्योग लगवा के उनको रोजगार दिया जाए। रही बात शिक्षा की, तो मैं मानती हूँ कि जो ये खाना दे रहे हैं, सड़क वाला दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। अच्छे शिक्षक होने चाहिए और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होना चाहिए। मुझे जनता अगर मौका देती है तो मैं ये करूँगी। मनगवा विधानसभा में हॉस्पिटल तो बनी है, जब दादा थे तब सब चलता था, कॉलेज चलता था और स्कूल चलती थी, हॉस्पिटल चलती थी, लेकिन जब से दादा नहीं है मनगवा विधानसभा में तो सारे सब ठप पड़ा हुआ है। तो मेरा मैं अगर मुझे जनता मौका देती है तो मेरा एक सपना है कि मनगवा विधानसभा की जितनी भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों, तो मेरा सपना है कि मनगवा विधानसभा की हॉस्पिटल अच्छी हो और मेरी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि हमारे मनगवा विधानसभा में अच्छे डॉक्टर हों, स्टाफ पूरा हो, 24 घंटा ड्यूटी उनकी हो और जो छोटे मोटे जैसे सीजर से ऑपरेशन होता है, डिलीवरी होती है, वो रीवा नहीं आना पड़े मनगवा में हो। अर्थों का छोटा मोटा ऑपरेशन है वो मनगवा विधानसभा के हॉस्पिटलों में हो, वो रीवा नहीं आना, बहुत ही सीरियस केस हो तो रीवा आए। नारेंद्र प्रजापति ने तो दावा कर दिया है कि जीत हमारी हो रही है। हाँ ठीक है ना, उनकी जीत हो रही हो तो जनता तय करेगी कि जीत किसकी होगी। तो ये थी हमारे साथ मनगांव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत। उन्होंने साफ कहा है कि जनता इस बार जो है कांग्रेस के साथ है। विपिन तिवारी, रीवा।